Hey guys, good morning to all of you. Bandar. And welcome to the Bikes Way YouTube channel again. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, मैं और मेरा लंगोटिया यार रोहित साथ में जा रहे हैं, और चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा सीनरी कैसे क्या है। एंड पहले रोहित के यहाँ जाते हैं, रोहित मेरा वेट कर रहा है बहुत देर से, और रोहित के यहाँ से फिर निकलेंगे नेशनल हाईवे होते हुए मधुबनी। तो मेरी बाइक लगी हुई है, मेरा हेलमेट वगैरह सब कुछ रेडी है। दिस इज़ माई बेबी, और इसका आईना, मैं सॉरी फ्रेंड्स, इसका आईना अब गांव में जैसे भाई जी का नहीं दिया ना, भैया थोड़ा दो ना गाड़ी, गाड़ी मांग के ले जाते हैं तोड़ के दे जाते हैं, तो गांव में इस बार नानी गांव में कोई मांग के ले गया और तोड़ के दे गया, तो इसीलिए ये आईना टूटा हुआ है। मैं इसी आईना से काम चलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी हूँ दरभंगा में, तो मुझे पता है कि यहाँ नहीं मिलने वाला ये आईना, यहाँ पर कोई भी एक्सक्लूसिव डीलर व शोरूम वगैरह है नहीं, तो नहीं मिलेगा, इसीलिए एक ही आईने पे जाना पड़ेगा। प्लीज़ यार इसको इग्नोर करना यार, चलिए चल रहे हैं हम और रोहित। मौसम के अनुसार मतलब थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, और हम और रोहित जाने वाले हैं इवनिंग राइड पे, कचौरी वगैरह खाएंगे और कुछ दरभंगा शहर में, दरभंगा से दूर जाके कुछ और एक्स्ट्रा मतलब बस चिल आउट करेंगे, तो आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा आज। ये मेरे पीछे दरभंगा स्टेशन है, और चलिए मैं आप लोगों को आज लेके चलता हूँ दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में, और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। बस हम लोग रैंडमली निकल चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, चलिए स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली मोड़ के पास NH पे, और लंगोटिया यार पूरा मौसम काला हो चुका है, पूरा बादल काला हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे बस कचौरी वगैरह खाने के लिए, अभी हम लोग को दूर जाना है, हम लोग सोच रहे हैं कहाँ जाएं भाई, दूर के साइड चलें, और ये हमारा साइड हो गया मधुबनी और नेपाल तरफ, तो मधुबनी चलते हैं, मधुबनी चलते हैं, मधुबनी ठीक है। तो ऐसे ही निकल गया, और आप लोगों को व्यू कैसा लग रहा है बताओ, यहाँ से देखो आम के बगीचे, हाँ वो सारे आम के बगीचे हैं, हमारे यहाँ आम की खेती बहुत ज़्यादा। और टाइम लैप्स कैसा लगा जरूर बताना, यहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रोड हो चुका है, NH 57 पहले बिजी नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। अभी चलते हैं आगे, और टाइम लैप्स लेने के लिए रुका था, बहुत रफ्तार में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं भाई, कचौरी वगैरह मैगी वगैरह कोई बनाता तो वो खाते हैं, देखते हैं, चलिए चलते हैं। ऑटो वाला रेस लगा रहा है ट्रक वाले, हिम्मत देखो सारे, हिम्मत देखो, तो चलिए चलते हैं। Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. So here I am near Kakarghatti station, और जो कि दरभंगा से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ छोटा सा गांव है और छोटा सा स्टेशन भी है। हम लोग यहाँ पे रुक के अभी क्या खा रहे हैं, लिट्टी और समोसे, गॉड दैट वॉज टू फास्ट। चले चलते हैं और दूर, और काफ़ी शाम हो चुका है, 7:20 हो रहा है टाइम, और हम और रोहित और आगे जाने की कोशिश करेंगे कहीं और कुछ अच्छा खाने के लिए।
सो दोस्तों हम लोग अभी डिसाइड किए कहाँ जाएँ, फिर मैं अपने गांव चला आया और ये है दुलारपुर गांव जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हम लोग अभी गांव में एंट्री देने वाले हैं और हम लोग सोचे कि क्या खाएं, तो हमारे गांव में हम लोग ऐसे ही बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं, तो याद आया कि मेरे गांव में एक आलू का चौप बनाती है, वो बहुत अच्छा बनाती है बूढ़ी, तो उनसे खाएंगे। चलिए हम लोग के रास्ता जो है वो भूतिया रास्ता हो गया है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं दिखा देगा, बस अभी खेत है और थोड़ा तो डर लगेगा ही। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने गांव के जंगल में और ये रास्ता है जो कि मेरे गांव की ओर जाता है, आप लोगों को कोई नहीं दिखेगा रास्ता। मैं यहाँ पे बाइक पार करके अभी रखा हुआ हूँ और ये जो लाइट आ रहा है बाइक से भी आ रहा है और मेरा रोहित भाई जो है वो दोनों फ़ोन का फ्लैश जला के रखे हुए हैं। और ये देखिए पूरा जंगल सा एकदम, यहाँ पे इतना भूतिया रास्ता है, अगर आप लोगों को अगर फील करना है तो अपने गांव जाओ और गांव के रास्ते में जो मेन रोड से गांव की तरफ जाता है हमेशा हर गांव का भूतिया ही होता है, हमारे गांव का भी है और इसीलिए मैं आप लोगों को सोचा कि दिखाऊं। आज दोस्तों आज हम लोग ऐसे ही काकरघट्टी स्टेशन पे जब बैठे हुए थे, मैं और रोहित बैठा हुआ था, तो हम लोगों का प्लान बना कि आज हम लोग चलते हैं मेरे गांव और वहां पे एक आंटी बहुत अच्छा चौप बनाती है, आलू का चौप जो होता है वो बनाती है, तो उनका चौप खाने के लिए हम लोग यहां पे आए हैं और अभी गांव जा रहे हैं। अभी गांव जाके आप लोगों को दिखाएंगे आलू का चौप। भाई पीछे देख रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे गांव आ चुके हैं और हम लोग को रास्ते में पप्पू भैया मिल गए थे। की सब बनल को पप्पा? अमूल कूल थोड़ा लड़ो समोसा। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गांव में पप्पू भैया के यहाँ, मतलब पप्पू भैया मेरे कजन ब्रदर, और डॉगी सोया हुआ है। अपने गांव में हूँ बट अपने घर पे नहीं हूँ, कुछ कुछ ट्रीट मिल रहा है पप्पू भैया की तरफ से। आम खाते हैं, स्लाइस ऑफ मैंगोज। बाय 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 बाय। सो गाइज पूरा ट्रिप हम लोग का ख़त्म हो चुका है, करीब दो घंटे हम लोगों ने पूरा छान मारा अपना गांव। काकरघट्टी स्टेशन गए थे और वहां खाए हम लोग लिट्टी और समोसे खाए और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मोहल्ले में, दुर्गा मंदिर है यहां पे और स्टेशन है। रोहित अब घर चला जाएगा, फिर मैं भी घर चला जाऊँगा, कल नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक एंड एन्जॉयड दिस व्लॉग ए शॉर्ट व्लॉग, तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइक्स वे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।